करदा, टाइम से पैर नहीं करदा। ब्रो मेरा पास आ रहा है, क्या बात है? वहाँ पर बिग फैन ब्रो, बिग फैन, बिग फैन ब्रो, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो भाई लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई का चैनल है और हम आने आ गए हैं। हम मिलिट्री बेस जा रहे थे और यहाँ हम उतरे और भाई मैंने देखा इतनी सारी स्क्वाड, तो हमने बोला हमारे मोबाइल में तो वैसे ही रिकॉर्डिंग हो रही है और भैया अब तो और अटकेगा। तो भैया यहाँ मेरी एक तरीके से फट रही थी क्योंकि ब्रो अगर लैग होगा तो बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। नंबर चार ब्रो हमारे साथ लूट रहे थे, तो भैया देखते हैं कौन पहले लूटता है। लेकिन भैया नंबर चार निकला लुटेरा भाई, मतलब भाई तुझे नीचे का पूरा दे दिया भाई, फिर भी अपने साथ लूट रहा है भाई। जैसे ही मैं यहाँ से निकला और ये नंबर चार ये वाला रूम लूटने के बाद फिर नंबर चार इसमें घुसा भाई, मैं तुरंत इसमें घुसा, मैंने कि भाई गन मिल जाए। ओ भाई देखो नंबर चार की स्पीड देख रहे हो भाई, लूटने की आधा सामान छोड़ के ही आगे होगा भाई। और तभी आया मेरे पास नंबर टू भाई, इस बंदे ने बिना बोले मेरे को गन दे दी भाई, बड़ा सही बंदा था ब्रो, लव यू ब्रो। और यहाँ हमें UMP मिलने के बाद हमारा जो एक नंबर था, हाँ एक ही नंबर था भाई, वो टपाटप बजा रहा था बंदों को और यहाँ गए नंबर एक घुटनों के बल आ गया तीन चार बंदों को नॉक करने के बाद। और ये तभी हमने इसे लिटा दिया और तभी हमने हाथ लगा दिया नंबर एक को, क्योंकि भैया नंबर एक है हमारा। और यहाँ मिल चुकी है हमें DP, अब भैया क्या M4 क्या AKM भैया, DP मिल गया। तभी आया हमारे पास नंबर दो, M4 का नाम लिया और बंदे ने बिना बोले M4 दे दी। वे क्यों तो भगवान है भाई, यहाँ हमने M4 और DP के साथ तभी हमारा नंबर एक सबसे आगे फाइट ले रहा था, तभी हम मैंने इसे देख कर डैमेज दिया। लेकिन भैया मरते ही नहीं है, यहाँ तभी आया ये डैमेज बंदा था और ये दो गोली लगी और किल चोरी भाई, बड़ा मजा आया। और यहाँ इसी के साथ ये नंबर एक ने लिटा दिया एक और बंदा, क्योंकि भैया यहाँ बॉट मारने आए। लेकिन भैया नंबर दो ने दोबारा मार दिया, लेकिन नंबर दो ने हमें गन दी थी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुरा लगा। और यहाँ हमारे स्कूल पे एक बंदा देखा, पार्ट्स में भी एक दो स्क्वाड थी, तभी हम उतरे भैया और हम गए उसके पीछे। लेकिन भैया नंबर एक ने वो बजा दिया पहले, क्योंकि नंबर एक है हमारा पीरो प्लेयर। तभी मैं उल्टा गया और भैया जो अपार्ट्स में स्क्वाड थी मैं उनकी तरफ गया, क्योंकि भैया यहाँ तो किल मिलने नहीं वाले, क्योंकि नंबर एक टपाटप बजा रहा है, क्योंकि नंबर एक है खतरनाक बंदा भैया, पता नहीं कौन है, जो भी है तीनों बंदे एक साथ हैं। और यहाँ मैं गया, तभी मेरे को आया पीछे से साउंड और तभी मैं पीछे मुड़ा और ये DP से बॉट को पेल दिया भाई, बॉट निकला कोई दिक्कत नहीं। तभी मैं ADS लेके जा रहा था, कोई दिखाए पीक करे और मैं उसे पेलूँ, लेकिन भैया कोई दिखाई नहीं रहा था, बस साउंड आ रहे थे, दिख कोई आ नहीं। ये तभी मुझे बॉट दिखा, मैंने इसे मारा और तभी टप टप करके मेरा किल चुरा दिया ऊपर से ब्रो किसी ने, और मैं देख रहा था मुँह दिखाए और मैं पेलूँ उसे, लेकिन बंदे ने भैया मुँह ही नहीं दिखाया, क्योंकि भैया हमें पिरो प्लेयर, हमें ब्रह्म मियस्तुतामा। तो भैया क्या कर सकते हैं भाई, चूतिए बंदे हैं, समझ रहे हो भाई, चूतिए। और ये तभी मैं अंदर गया और मैंने सोचा टेरेस अच्छा भी मिलेगा, तभी मैं टेरेस आ गया। ये जादू है भाई, देख रहे हो कट जाता है एक साथ। तभी कुछ नहीं, एक साथ आया मुझे डासिया का साउंड और एक साथ मैं कूदा, और जब तक मैंने स्कोप खोला तब तक, और ऊपर से भाई कूदते कूदते मारा भाई, ये पता नहीं क्या गिलिच है ब्रो। ये देखो ये बाप का सबका बाप नंबर टू, ये नंबर टू मैंने यहाँ पेल दिया और देखते जाओ भाई, पूरी सबका बाप स्क्वाड थी। और ये तभी मैंने दोबारा एक नंबर को हाथ लगाया और ये मैं ADS लेके ऊपर जाता हुआ भाई, ताकि अगर बंदा पीक वीक करे तो भैया DP हमारे हाथ में, स्नैक्स भैया की वीडियो देखते हैं हम, समझ रहे हो, पेल देंगे, ड्रिल्स देखते हैं भैया, प्रैक्टिस करते हैं DP की। ये तभी एक नंबर दोबारा से नॉक, एक नंबर ने मार्क कर दिया यहाँ पे। और भैया ये सांप का बच्चा डायनोमो भैया, सांपों को देखो, तुम्हारे जाने के बाद सांप बहुत बढ़ गए भैया इस एंगल में। और ये तभी हमने एक नंबर को यहाँ बॉट, पहले बॉट को मारा भैया, किल जरूरी है, कंटेंट बनाना है। और ये तभी मैंने से हाथ लगाया कोई, और तभी मैं हेल्प कर रहा था, तभी भैया देखो इस बंदे ने ये दो नंबर को हमारे को हमारे दो नंबर को पूरा मार दिया भैया। तभी मैं ADS लेके जाने लगा इस वाले अपार्ट पे, लूट वूट करके भैया वो काट दिया यार, ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। और तभी भाई मैंने इस बंदे की तरफ ADS लेके जैसे ही मैं अंदर आया, तभी मैं अंदर गया, तभी एक नंबर गया था चलो चलो जोन में चलते हैं, तभी रेड जोन था, तो भाई मेरी फट रही थी बाहर निकलने में, तो तभी मैंने सब ड्रॉप ड्रॉप करा और नंबर एक नहीं चलो चलते हैं, तो मैंने कि चलो चलते हैं। लेकिन भैया
मैंने बोला ये बंदा फायर जरूर करेगा भाई, तो मैं जो था डीपी लेके भैया एडीएस लेके जा रहा था, ये जैसे फायर करे और ये पिटे, और भाई इसने गलती यही कर दी, इसने पीक करी और ये पट, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्स। तो भैया अब तक लाइक नहीं करा, इसके लिए तो लाइक बनता है, और भाई सब्सक्राइब कर दो हमारे भाई के। यहाँ AWM देखो चलानी आती नहीं है, स्नाइपिंग मुझे आती नहीं है, तब भी हमने कही आज भैया AWM चलाएंगे हम, समझ रहे हो, आज तुम्हारा भाई चलाएगा AWM। तभी भैया पूरे एंगल में घूम लिए, कोई नहीं मिला, बहुत देर में काट के यहाँ एक बॉट मिला, नंबर एक कूदा बॉट मारने को, लेकिन मैंने मार दिया जब तक, और नंबर एक सोच में, और यहाँ इसी के साथ एक और ड्रॉप लूटने जा रहे थे हम, तो भैया यहाँ आए और देखिए क्या होता है, यहाँ उतरा और यहाँ एक और AWM, यहाँ हो चुकी है 30 गोली भैया AWM की, या मजाक बात हो रही है क्या, 40 मान लो भाई, लोडेड भी है। तो तभी भैया ये क्या होता है, ये पीछे से फायर करते हैं, देखो सबसे पहले कवर में जाओ भैया, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स दोगे उनका, और ये तभी भैया हमारा एक नंबर ने रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स दे के मार दिया, ये हमने कंफर्म कर दिया भैया ये थे नूब बंदे, क्योंकि ये इतनी देर तक घास में बन के घूम रहे थे, क्योंकि इन्हें लेनी थी नागमणि ब्रो। तो भैया लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारे भाई का चैनल है भैया, बड़ी बहुत दिन बाद वीडियो आई है भाई, बिजी चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कर लिया जिम ज्वाइन, तुम्हारा भाई बना रहा है बॉडी, मिस्टर दैली कंपटीशन आने वाला है तो उसकी तैयारी करेंगे, और क्या है ब्रो, अब ऐसे ही मन नहीं करता ब्रो, बंदे अजीब अजीब से 1v3 वाले कंटेंट बना के भाई इतने व्यू ले जाते हैं, हम इतनी 18-18 घंटे खेल के व्यू नहीं ले पाते यार, क्या फिर मन हट गया ब्रो, मन नहीं करता भाई वीडियो डालने का, हम भी वही ऐसे ही चूतिया कंटेंट डालने लगे, पब्लिक का चूतिया उन्होंने क्या जाता है भाई। तो इसी के साथ गेम हो जाए।